हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ फ्यूरियस व्हील्स। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू स्कॉर्पियो एन के बारे में। ये एक शॉर्ट और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो होने वाला है। डिटेल वीडियोस भी हमारे चैनल पे जल्दी अपलोड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से बात कर लेते हैं कार की फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पर आपको फुल LED हेडलैम्प जो है वो ऑफर किए गए हैं, साथ ही में नीचे आपको LED DRL और फॉग लैम्प का भी फीचर देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको ऑफर किए जाते हैं, और ओवरऑल कार का जो एक्सटीरियर है वो फ्रंट से देखने में कुछ ऐसा लगेगा। क्रोम इंसर्ट जो है फ्रंट में देखने के लिए मिल जाएंगे, और ब्लैक कलर में कार देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग जो है फ्रंट में यहाँ पर लग रही है। और साइड प्रोफाइल भी आप चेक कर सकते हैं, साइड प्रोफाइल में भी कार का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा आपको। और ये आप देख सकते हैं कार के अलॉय व्हील्स। टायर साइज़ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 245/65 R17, और ये आपको 17 इंचेस के व्हील्स जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स हैं, साथ ही में रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक वो ऑफर किए गए हैं। एंड ओवरऑल जो डिज़ाइन लैंग्वेज है उसमें एक्सटीरियर्स में क्रोम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि अगेन देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग जो है यहाँ पर दिख रहा है। और एक्सटीरियर में फटाफट से बात कर लेंगे बोनेट के डिज़ाइन की, तो ये भी काफ़ी अपीलिंग जो है यहाँ पर रखा गया है। एंड साइड प्रोफाइल में जो टर्न इंडिकेटर है वो आपको ORVM में यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। और कार का जो ओवरऑल स्टांस है वो काफ़ी प्रीमियम इस बार रखा गया है, काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम जो है अब स्कॉर्पियो एन यहाँ पर देखने में लग रही है। और ये आप अभी देख सकते हैं इसका डोर पैनल, यहाँ पर ब्राउन और ब्लैक का जो है फिनिशिंग दी गई है। साथ ही में कंट्रोल्स की भी बात कर लेते हैं, चारों पावर विंडो और आपके ORVM एडजस्टमेंट के फीचर्स जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंटीरियर्स आप चेक कर सकते हैं, लेदर सीट आपको देखने के लिए मिलेगी। सीटिंग एडजस्टमेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स भी दी गई हैं। और ओवरऑल देखने में कुछ ऐसा लगता है कार का इंटीरियर, यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेंगे, उधर आपको ऑडियो कंट्रोल, और ओवरऑल देखने में कुछ ऐसा लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि स्कॉर्पियो एन आपको देखने में कैसी लगती है। और अगर इसके वेरिएंट की बात कर लूँ तो ये जो है Z8L जो लग्जरी मॉडल है वो है, और फीचर लोडेड है अभी पूरी। और यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो भी दिया गया है। अभी कार में अंदर चलेंगे और कार को ऑन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ फीचर्स जो हैं और एक्स्ट्रा ये कार यहाँ पर ऑफर करती है। और फटाफट से मैं आपको रियर कैबिन के जो लेआउट है वो भी चेक करवा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड इनफ जो है वो सीट्स यहाँ पर दी गई हैं, और दोनों एडजस्टेबल हेडरेस मिलेंगे, मिडल में आपको फिक्स हेडरेस मिलेगा, और रियर की सीट का एक्सेस जो है वो यहाँ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सीट ऐसे फोल्ड होगी तो आप आराम से जो है रियर सीट को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। सनरूफ यहाँ पर दिया गया है, और ओवरऑल देखने में कार कुछ यहाँ पर ऐसी लग रही है। रियर डोर पैनल ये आप अभी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। रियर प्रोफाइल को भी देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं LED टेल लैम्प्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, रियर विंडो वाइपर, वॉशर, डिफोगर, ऊपर आपको जो है शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिल जाएगा। स्कॉर्पियो एन की ब्रांडिंग आप अभी देख सकते हैं, और रियर से कुछ ऐसी देखने में लगती है ये कार। आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि स्कॉर्पियो एन के जो फीचर्स हैं, जो लुक्स हैं, वो आपको कैसे लगे, और या फिर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और ऐसा जो है इसका टेलगेट वो ओपन हो जाता है, काफ़ी वाइड ओपनिंग है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यही कार का इंटीरियर है, और चलिए अब चल लेते हैं कार के अंदर, एक्सप्लोर करते हैं कार के बाकी सारे फीचर्स को भी कि इंटीरियर में ये कार आपको क्या कुछ फीचर्स जो है वो यहाँ पर ऑफर कर देती है। सो दोस्तों, मैं भी आ गया हूँ स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर्स में, और ये आप जैसे कि देख सकते हैं ऑटोमेटिक वेरिएंट है। और अब बात कर लेते हैं डिटेल में क्या कुछ फीचर्स जो हैं कार के इंटीरियर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेयरिंग से, तो यहाँ पर आपको जो है ड्राइवर एयर बैग वो दिया गया है, साथ ही में इधर आपको जो है मीडिया के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इधर देखने में मिलेंगे आपको क्रूज कंट्रोल। और ओवरऑल देखने में इंटीरियर कुछ ऐसा यहाँ पर दिखेगा। ड्राइवर इन्फोटेनमेंट सिस्टम ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया गया है। और ओवरऑल अगर हम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ आपको सेंटर पैनल जो है वो यहाँ पर ऑफर किया जाता है। और इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड ओवरऑल कार का जो इंटीरियर है वो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बैठने का जो स्टांस है वो भी आपको थोड़ा हाई में ही यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पे बात करें कार के जो ओवरऑल इंटीरियर्स हैं, ये आप देख सकते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम पे मैं एक डिटेल वीडियो बना लूंगा जिसमें आगे आपको सारे फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। बाकी अभी शॉर्ट में अगर बात करें तो ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम मिलेगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के साथ में रिवर्स कैमरा भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। ये आपके सारे म्यूजिक के कंट्रोल्स हैं, और इधर आपको डुअल जोन जो है ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल AC वो यहाँ पर दिया गया है। नीचे आपको कुछ कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, और इधर यहाँ पर आपको वायरलेस जो है चार्जर वो यहाँ देखने के लिए मिलेगा। और ये आप जैसे कि चेक कर सकते हैं सेंटर पैनल, 2 कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। स्टोरेज के लिए यहाँ पर आपका जो है
सेंटर आर्मरेस्ट है ये दिया गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये कुछ यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएंगी चीज़ें। और ओवरऑल अगर हम बात करें कि कैसा लग रहा है कार के अंदर बैठ करके, तो काफ़ी हाई जो है स्टांस वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही है, आप काफ़ी हाइट पर जो है बैठते हैं। और इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको लेफ्ट साइड में टैकोमीटर मिल जाएगा, राइट साइड में जो है आपका स्पीडोमीटर मिलेगा, और इधर आपको जो है इसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जैसे नेविगेशन। नेविगेशन के बाद आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, उसके बाद आप अलर्ट्स देख सकते हैं, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, फ्यूल इन्फो देख सकते हैं, डिजिटल स्पीड देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव जो है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर रखा गया है। हालांकि मैं इंफोटेनमेंट सिस्टम और आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दोनों के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। बाकी लाइट्स की बात करें, ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर का जो फीचर है वो यहाँ मिल जाएगा। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स की बात किए करें तो यहाँ पर आपको जो है टिल्ट एडजस्टमेंट ही देखने को मिलेगा, टेलीस्कोपिक आपको यहाँ नहीं ऑफर किया गया है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, बाकी पार्किंग सेंसर का बटन यहाँ पर है, और यहाँ पर कार में चढ़ने के लिए उतरने के लिए एक हैंडल दिया गया है। 6 एयरबैग्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और ये लग्जरी वेरियंट है तो इसमें आपको सोनी का म्यूजिक सिस्टम जो है वो यहाँ पर ऑफर किया गया। तो आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा स्पीकर जो है वो यहाँ लगे हुए हैं, सनरूफ जो है कार का आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा जो है इंटीरियर आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। चलिए अब चल लेते हैं कार की रियर सीट पर और देख लेते हैं रियर सीट में क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। सो दोस्तों मैं भी आ गया हूँ कार की रियर सीट पे, और रियर कैबिन की बात कर लें तो रियर में आराम से 3 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। काफ़ी वाइड जो है यहाँ पर स्पेस आपको ऑफर किया गया है। लेग स्पेस की बात करें तो ये सीट काफ़ी पीछे है, फिर भी काफ़ी अच्छा जो लेग रूम है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, साथ ही में यहाँ पर आपको कन्वीनियंस के लिए रियर में एसी वेंट्स दिए गए हैं जिसका आप एयर फ्लो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और रियर में आपको चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पर दिया गया है। एंड ओवरऑल रियर से देखने में कार कुछ ऐसी लगती है, आप अभी चेक कर सकते हैं। तो रियर में काफ़ी फर्स्ट एंड सेकेंड रो काफ़ी स्पेशियस हैं, लास्ट रो में मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा ये कंजेस्टेड है, जो कि आप अभी देख भी सकते हैं। तो पीछे जो है बच्चे या फिर कम हाइट के लोग ही आराम से एकोमोडेट हो पाएंगे। एंड ओवरऑल यही कुछ इंटरव्यू में स्पेसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। चैनल पे बहुत जल्द जो है कार का ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे, तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप लोग भी कमेंट पे हमें बताइएगा ज़रूर कि इस कार का कौन सा मॉडल कलर वेरियंट आप देखना चाहते हैं हमारे चैनल पर, हम उसी पर जो है वीडियो बना देंगे। तो यही था कार के इंटीरियर्स के स्पेसेस, अब चलते हैं एक्सटीरियर्स में। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल गई होगी, बाकी कोई भी डिटेल आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी फिर मिलेंगे किसी और नई कार के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।